नमस्कार, इंडिया बोलेगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा, और बात करें 2022 विधानसभा का चुनाव आ गया है। लगभग आचार संहिता लगने में हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है। कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 8 तारीख के बाद सभी राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, अपने वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम सारे वादे किए जा रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता, जो एक पहचान के मोहताज नहीं है, पुराने कांग्रेसी रहे, बरसठी से विधायक रहे, स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय, जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे, विधायक भी रहे, उनके पौत्र विकेश उपाध्याय जी कांग्रेस के युवा नेता हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। लगभग 20 बिजनेस में 20 साल का इनका करियर रहा है, बिजनेस में इनकी लोकप्रियता भी है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकेश उपाध्याय जी हैं। आपका इंडिया बोलेगा में आप स्वागत है। नमस्कार भैया कृष्णा जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आप बिजनेस में एक आपकी अच्छी लोकप्रियता है और आप कांग्रेस के युवा नेता हैं और आप जौनपुर की सदर विधानसभा से दावेदारी भी ठोक रहे हैं, और बिजनेस को लेके मोदी जी कहते हैं कि जितना विकास बिजनेस में उत्तर प्रदेश में हुआ, पूरे भारत में हुआ, डंका पीटती है बीजेपी, गुजरात मॉडल की बात करती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं, देखिए गुजरात को गुजरात गुजरातियों ने बनाया है, उसमें हम किसी पार्टी को श्रेय नहीं देना चाहे या किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं देना चाहेंगे। अब वो बड़ी लंबी कहानी है कि भारत आज़ाद हुआ तो गुजरात को एक बिजनेस स्टेट की तरह डेवलप किया गया पूर्व की सरकारें नेहरू जी के समय, ये पुरानी बातें होंगी, इसको बताना जो है बहुत लंबा चलेगा इसको बताने में। तमाम सुविधाएँ व्यापारियों को दी गई, तो एक महाराष्ट्र और गुजरात को जो है एक बिजनेस हब बनाया गया। तो एक बड़ा लंबा दौर रहा है, उसमें गुजरात ने अपने आप को वहाँ के लोगों ने साबित किया और अच्छा बिजनेस किया, तो आज गुजरात गुजरात है व्यापार के मामले में। रही उत्तर प्रदेश की बात, या जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बिजनेस सुलभ हुआ है, मैं तो व्यापार कर रहा हूँ 2004 से, तो 2004 से 14 तक, जो मेरी ही नहीं, जो हमारे जैसे शहर हैं जौनपुर, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, बनारस, चंदौली, भदोही, यहाँ पे जो यहाँ के जो व्यापारी थे, जो यहाँ के शहर के रहने वाले व्यापारी या यहाँ के थे, इनका व्यापार बड़ा फला फूला उस समय। लेकिन 14 के बाद कुछ मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के बड़े व्यापारी मित्र, अंबानी जी, अडानी जी, इन लोगों का इन शहरों तक होल्ड होने लगा, जिससे जो यहाँ के व्यापारी थे, जो उन शहरों के छोटे व्यापारी, इनका व्यापार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। मैं आपको बताऊँ, 14 के बाद अब रिटेल मार्केट में आप रिलायंस का इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में जानते हैं, उनका प्लान हर पिन कोड पे रिटेल मार्केट खोलने का है। तो भाई सब वही करेंगे तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? यहाँ के युवा हैं, रोजगार है नहीं उनके पास, व्यापार करने वाले बाहर से आ जा रहे हैं। तो आज की डेट में व्यापार को स्थापित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। उनकी टक्कर मल्टीनेशनल कंपनियों, अंबानी, अडानी, इस टाइप के लोगों से, तमाम रिटेल चेनों से हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग 2004 से 14 के बीच में अपने आप को स्थापित कर लिए, वो जितना सरल था, वो 14 के बाद उतना सरल नहीं रहा। आप 2004 से 14 की बात करें, आपने उस दौर में भी बिजनेस किया जब कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, जब 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि व्यापारियों के लिए व्यापार करना कितना बहुत ही सुलभ हुआ है, कितने सरलता से वो व्यापार कर रहे हैं, नोटबंदी की है, GST लिया है, लेकिन व्यापारियों पर उसका कोई फर्क नहीं, व्यापारी उससे खुश है। अब व्यापारी तो हमको खुश नहीं लग रहा, हम तो व्यापारियों के बीच में रहते हैं, व्यापारी हमें खुश नहीं लग रहा है। आज आप देखिए, GST का बोझ है व्यापारी के ऊपर, अगर आप टेक्निकली देखें तो महीने में तो उसको 3 रिटर्न भरना पड़ता है, 2B भरना पड़ता है, 3B भरना पड़ता है, बाकी एनुअल रिटर्न्स आपके इनकम टैक्स वगैरह के भरने पड़ते हैं। तो व्यापारियों को बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया गया है, हाँ जी ये भरो, 10 तारीख को ये भरो, 20 तारीख को ये भरो, और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू व्यापारियों का अंश, उनकी मेहनत का अंश जो है सरकार ले रही है। अभी 1 जनवरी से आप देखिए, 1 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले से 5%
जो कपड़ों पे जीएसटी था 5 से 12% अनाउंसमेंट था, आपको भी पता होगा, अभी किसी कारण से उसको एक महीने के लिए इन्होंने पोस्टपोन किया है, शायद चुनावी माहौल को देखते हुए पोस्टपोन किया है। लेकिन ये जनता तैयार रहे कि उसका फ़र्क व्यापारी को बहुत नहीं पड़ेगा, उसका सीधा फर्क जनता को पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे 450 का सिलेंडर आज 1000 में खरीद रहे हैं, तो आपके कपड़े के रेट, जूते के रेट 20 से 30% बढ़ने ही बढ़ने हैं, जो ये इनका स्ट्रक्चर आया है 5 से 12 करने का। तो आप हर समय जो है एक व्यापारी के ऊपर बोझ डाल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नहीं उनको सुलभ हो गया है, वो सुखी हैं, मेरा मानना ऐसा नहीं। चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता 8 तारीख के बाद कभी भी लग सकती है। आप जौनपुर के सदर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी के जौनपुर में एक गृहराज्य मंत्री भी रहे, सदर से विधायक भी हैं, कई सारी सभाएं भी योगी और मोदी जी की हुई इधर बीच, और तमाम सारी सौगातें दिए गए जौनपुर, जौनपुर को कैसे देखते हैं, 5 साल में कितना कुछ विकास हुआ जौनपुर, नौ विधानसभा, एक जहाँ से मंत्री भी हैं उस विधानसभा। देखिए, मैं नौ विधानसभा की बात तो नहीं करूँगा, पहले तो मैं सदर विधानसभा की बात करूँगा। सदर विधानसभा में आप देखिए, आज 17 से हमारे माननीय मंत्री जी विधायक हुए, मंत्री हुए, लोगों ने बड़ी आस भी लगाई उनसे। अब लेकिन यहाँ की जनता तब से ही हर कदम पे उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 17 के बाद आप देख रहे हैं कि पहले तो चलिए नोटबंदी का एक बहुत बड़ा दंश झेला जनता ने, फिर यहाँ पे अब इस सरकार बनने के बाद हमारे जौनपुर में कुछ माननीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए, एसटीपी, नमामि गंगे, अमृत योजना, लेकिन ये जनपद के लिए लाया गया या उनके लिए लाया गया, ये जनता अब सोच रही है। जनता 2 साल से धूल फांक रही है। आप सदर विधानसभा में, शहर में किसी भी तरफ चले जाएं, आपको धूल ही धूल मिलेगी। 2 साल से कोविड की वजह से स्कूल बंद है, नहीं तो स्कूल से बच्चे छूटते हैं तो 3-3 घंटों में घर पहुंचते हैं, जाम की ये हालत है, सड़कें टूटी बिखरी पड़े हैं, स्थिति वही की वही पड़ी है। मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हुआ है। इनकी सारी योजनाओं के पैसे आए, वो भी जनता का पैसा था, पैसे बर्बाद हुए, सड़कें खुद गई, पाइप पड़ी, फिर सड़कें बनी नहीं। जनता का ख्याल रखना जनप्रतिनिधि काम है भाई, जनता ही सुखी नहीं रहेगी। आप बताइए, जनता धूल भाग रही है, जाम का सामना करना पड़ रही है, हमको तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा कोई काम किया, और जनता तैयार भी है उनको जवाब देने के लिए इस बात का। एक कहावत है कि नेता आते हैं, वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते चले जाते हैं। अगर बिकेश उपाध्याय को कांग्रेस मौका देती है और जनता उन्हें कुर्सी पर बैठाती है, तो क्या उम्मीद करें सदर की जनता आपसे? देखिए, मैं तो यहीं का हूँ, यहीं से पढ़ा लिखा, इसी जौनपुर में बचपन से पढ़ा लिखा हूँ, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब हमने यहीं से किया है, सभी के बीच रहा हूँ, यहाँ की एक एक चीज़ें जानता हूँ। हमारा शहर युवाओं का शहर है और हमें पूरा विश्वास है, मैं भी एक युवा, अभी मैं को कंटेस्ट कर रहा हूँ असेंबली इलेक्शन 2022 सदर विधानसभा से। और देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी एक अलग सोच है, हम युवाओं के साथ चलेंगे, हम लोगों के साथ चलेंगे, लोगों से बातचीत करके इस शहर को और अच्छा बनाने की, सड़कें प्रमुख मुद्दा है कि ठीक हो जाए, धूल से राहत मिल जाए, जाम से राहत मिल जाए, बच्चे समय से स्कूल से घर पहुंच जाएं। और बाकी दूसरा मुद्दा देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा का है, शिक्षा के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शिक्षा में मैं आपसे बता दूँ, अगर आप देखिए 80 के दशक में नवोदय विद्यालय सिर्फ एक जौनपुर में बना, मड़ियाहूँ में हमारे, उसके बाद से 80 के दशक के बाद से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबकी सरकारें आईं, एक भी नवोदय नहीं, एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं। मेरा मानना है सदर विधानसभा में मोटा मोटी 3 ब्लॉक आ जाते हैं, जैसे सोधी है हमारा, कुछ शाहगंज का हिस्सा है, कुछ करंजा का हिस्सा है, बाकी सदर अपने आप में एक बड़ी तहसील है। तो यहाँ पे कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय तो सदर विधानसभा में होना ही चाहिए, और मैं तो कहता हूँ हर ब्लॉक में एक नवोदय होना चाहिए। प्रतिभाएं हमारे गांव में हैं, सभी लोग अपने बच्चों के अंदर प्रतिभा देखते हैं, गांव के बच्चों के अंदर वही बच्चे सब हैं।
तो उनको निखारना, उनको पढ़ाना, उनको योग्य बनाना, इसी की तो जिम्मेदारी है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और जौनपुर हमारा गोमती नदी के बीचों बीच बसा है, क्या ऐसा डेवलपमेंट जौनपुर में डेवलपमेंट होना चाहिए? जौनपुर जौनपुर, और जिस तरह से अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो जौनपुर में अभी कोई खास विकास हुआ ना, तमाम सरकारें आई और गई, फिर आएंगे फिर जाएंगे, वादे तो तमाम सारे होते हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता, उसको लेके क्या कहें? देखिए, जौनपुर को अगर डेवलप करना है तो आपको प्लानिंग के साथ डेवलप करना होगा, आपको नया जौनपुर भी बनाना पड़ेगा। आप पुराने जौनपुर के सौंदर्य को खराब ना करें, नया जौनपुर बसाएं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा जगह है, हम लोग यहाँ की जनता बहुत सालों से सोच रही है कि हमारा शहर बढ़ेगा, स्प्रेड करेगा। देखिए, फैलेगा तो चीज़ें सुंदर होंगी और पुरानी चीज़ें, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, शाही पुल, इनकी खूबसूरती बनी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि हम विकास प्राधिकरण के माध्यम से, यहाँ विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस शहर को और बड़ा कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, नया जौनपुर बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है जौनपुर को रिंग रोड से जोड़ना। अगर आप शहर में हैं तो शहर के बाहर आपको निकलना है तो आपके चारों तरफ रेलवे क्रॉसिंग है, आप निकल के भाग नहीं सकते। अगर आपको किसी इमरजेंसी में जाना है, आप चाहे मड़ियाहू रोड पे चले जाएं, चाहे बनारस रोड पे चले जाएं, इलाहाबाद रोड पे चले जाएं, आजमगढ़ रोड पे चले जाएं, किसी रोड पे चले जाएं, आपको रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत समस्या है, सिहीपुर की रेलवे क्रॉसिंग बहुत बड़ी समस्या है, लोग घंटों घंटों जाम में वहाँ फंसते हैं। तो यही सारी समस्याएं हैं। जौनपुर को एक सुंदर शहर बनाना, इसको सिस्टमेटिक ढंग से बसाना, खैर ये सब तो लंबा काम है, इसके लिए समय भी चाहिए। फिलहाल तो यहाँ की सड़कों को ठीक कराना और जाम से निजात दिलाना, ये उद्देश्य है हमारा। बाकी शिक्षा के लिए मैंने आपको बताया ही, रही चिकित्सा की बात, तो चिकित्सा में आपने देखा ही कि कोविड में चिकित्सा की सारी पोल खुल गई, सारे सरकार के वादे खुल गए, लोग सीढ़ियों पर मरने लगे, लोग सड़कों पर मरने लगे, कोई देखने वाला नहीं। मेडिकल कॉलेज का अधूरा उद्घाटन किया गया, आप जानते होंगे, आज भी आप जाके अभी मोटरसाइकिल से जाइए, 3-4 किलोमीटर है मेडिकल कॉलेज, देखिए आपको इस समय लाइट भी नहीं दिखेगी, वहाँ सब बंद पड़ा है। उद्घाटन हुए 2 महीना हो गया, फैकल्टी का कोई पता नहीं, देयर इज नो एडमिशन। तो यही चीज़ें हैं। आप एक लास्ट सवाल आपसे, बीजेपी कहती है कि 70 साल बनाम 7 साल, कहती ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो हुआ 7 साल में हुआ। बीजेपी लगातार ये कहती है, तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं के ऊपर आरोप भी लगते हैं, क्योंकि आपका परिवार एक पुराने कांग्रेसी हैं, जो कि आपके दादा भी विधायक रहे हैं। तो आप इस बार के चुनाव में, 22 के चुनाव में कैसे देखते हैं लड़ाई को, किस नज़रिए से देखते हैं? लड़ाई तो दिलचस्प है, लड़ाई तो 22 के चुनाव में बहुत अच्छी होनी है, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को 70 साल कहना बंद कर देना चाहिए। कब तक वो 70 साल के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे? सिर्फ उन्हें 7 साल की बात करनी चाहिए। आपने 7 साल में क्या किया? आइए सदर विधानसभा में खड़े होकर बता दीजिए कि हमने 7 साल में ये किया। ये टूटी सड़कें दी हमको, जो विद्यालय हैं जैसे वैसे ही हैं, कोई हमको एक नया विद्यालय बताइए आप, एक नवोदय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय बताइए, एक टूटा फूटा मेडिकल कॉलेज जो कि पिछली सरकार की उपलब्धि है, खैर इन्होंने आके पीता काट लिया तो कहते हैं कि नहीं हमारी उपलब्धि है। नहीं, कहने से नहीं होता सर, करने से होता है। जमीन पे आए, निजीकरण को लेके क्या कहेंगे, जिस तरह से निजीकरण चल रहा है? देखिए, निजीकरण को लेके ये तो पूरे देश का मुद्दा है, और अभी हम लोग सदर की अपने बात कर रहे हैं, तो निजीकरण से तो देखिए नुकसान ही होगा, फायदा तो होगा नहीं, आप तो भली भांति जानते हैं। निजीकरण से मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि अभी मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे गया था, तो जहाँ मुझे पार्किंग का 50 रुपया देना पड़ता था, निजीकरण के ठीक बाद पार्किंग का मुझे 150 देना पड़ गया। तो वो अचानक, हाँ भाई लोग हवाई यात्रा करेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, 50 का 150 दे देंगे वहाँ पे। तो अल्टीमेटली निजीकरण से देखिए जनता के ऊपर ही दबाव पड़ेगा, वो अपने कुछ खास व्यापारिक मित्रों को लाभ देने के लिए निजीकरण कर रहे हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है।
अभी तो हम शहर की बात करेंगे, सदर की बात करेंगे, क्योंकि मेरा पदार्पण है राजनीति में और युवाओं के साथ चलना है और हमारा शहर युवाओं का शहर है। और हमारी नेता जो है उन्होंने एक जो महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया है और एक उनका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आधी आबादी की बात करते हैं, इस बार आधी आबादी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आधी आबादी को मैदान में उतारें। देखिए आधी आबादी की बात नहीं है, 40% की बात है। 40% टिकट महिलाओं को देने की बात है और महिलाओं में युवा महिलाओं को देने की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाएं आगे आए इससे अच्छा क्या है, अब वो दिया जाएगा, दे भी रहे हैं। अभी आप सूची आने दीजिए टिकट की, आपको 40% टिकट दिखेंगे महिलाओं के और महिलाओं का जबरदस्त रुझान है। आप अभी सवाल तो बढ़ता चला, आप अभी युवाओं की बात कर रहे थे, इस समय बेरोजगारी का जो आलम है, युवा जिस तरह से बेरोजगार है, किसान परेशान है, तो क्या कहें? देखिए जो बेरोजगारी की बात है उसकी जड़ कहाँ है, उसकी जड़ शिक्षा शुरू होती है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी कॉन्वेंट्स में जो कैपेबल हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं हैं उनकी पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। अब पढ़ेंगे नहीं तो रोज़गार आपको कहाँ? ठीक है रोज़गार आपको कम पढ़ने पे भी मिल सकता है, लेकिन वो भी रोज़गार नहीं है आज की डेट में। रोज़गार सृजन का कोई कार्यक्रम कोई कुछ हुआ ही नहीं तो आप रोज़गार देंगे कहाँ से? रोज़गार देने के लिए सरकार को नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। आप यहाँ के स्पिनिंग मिल को आपने बंद कर दिया उतने लोग बेरोज़गार हो गए, आप चीनी मिलें बंद कर रहे हैं उतने लोग बेरोज़गार हो गए, आप तमाम चीज़ें बंद कर रहे हैं। रोज़गार का सृजन हमें बताइए कोई भी जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। आपसे बहुत सारी बातें हुई सदर विधानसभा को लेकर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।